तो एवरी सोसाइटी हैज़ सम बेसिक फीचर्स एंड टू हाईलाइट एंड टू पॉइंट आउट दो फैक्टर्स वी कैन हैव अल डिस्कशन डैट वट टाइप ऑफ बेसिक फीचर्स जर्नली यर सोसाइटी हैज़ नंबर वन द लाइकनेस आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत पसंद होगा ऐसे ही मुझे भी बहुत कुछ हमेशा पसंद होता है That likeness can be regarding the social activities, that likeness can be regarding the political or economic activities, or regarding some cultural development. So, that is a very important point, and this feature is present in every society in the world. That people have their own choices, people have their own likeness regarding various things. then another important feature is differences. After all, we are human beings. Definitely, we have differences, and these differences can be about some specific points or even on some spe specific or general uh, things also. Like किसी को शायरी पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को म्यूजियम जाना पसंद है, किसी को जिम जाना पसंद है. सो दिस वेराइटी ऑफ थाट इट इज़ द ब्यूटी ऑफ एवरी सोसाइटी दैट देयर इज़ डिफरेंस इट मीनस दैट वी ऑल आर ए लाइव क्योंकि जो जिंदा होगा जिसकी अपनी सोच होगी उसकी पसंद नापसंद दूसरे से मुख्तल हो सकती है देन एनदर इम्पोर्टेंट फीचर इज़ इंटर डिपेंडेंस हम में से हर कोई चाहता है कि वो इंटर डिपेंडेंट हो और अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारे कि जहाँ वो किसी पर डिपेंडेंट है तो उसके साथ साथ कुछ मामलों के अंदर वो ख़ुद इहिस पर भी अपनी ज़िंदगी को लेकर चलना चाहता है लेकिन ये फीलिंग तब तक तो मुनासिब है जब ये इंटरडिपेंडेंस किसी और की फ्रीडम के अंदर इन्वॉल्व ना हो जाए क्योंकि अगर हम ज़्यादा खुद इहिसार हो जाते हैं तो बाज़ात फिर जो फैमिली की वैल्यूज़ माशरे की वैल्यूज़ होती हैं उसमें बाज़ात जो हैं वो टकराव पैदा होने के चांसेस होते हैं दिन कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्टपरेशन के बग़ैर वी कैन नाट प्रोसीड कैसे अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हम अकेले कुछ भी नहीं होते एनी वन इन दर्ल्ड कैन नाट डू एनी थिंग सिंगल हैंड आपको मुझे हमें एक दूसरे के कोपरेशन की जरूरत होती है ऐसे ही माशरे के अंदर अफराद को इनफरादी की बजाय इजतमाही सोच की ज़रूरत होती है लेकिन ये इजतमाई सोच के अंदर बाज़ात इख्तलाफात भी पैदा होते हैं लेकिन ये इख्तलाफात अगर मिलजुल कर हल कर लिए जाएं से हल कर लिए जाएं बैठ कर सलाह मशवरे से हल कर लिए जाएं तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो दोबारा से कॉपरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ये इंसानी रवैयों की ही दो शक्लें हैं लेकिन इन दोनों के अंदर एक हदबंदी भी ज़रूरी है इनकी हैं और इनकी वर्किंग के लिए आपस में ताउन की ज़रूरत पड़ती है दैन सोशल रिलेशंस। जब सोशल रिलेशंस की बात होगी तो ये रिलेशनशिप जो है ये फैमिली से स्टार्ट होकर हमारे पीयर ग्रुप्स तक हमारे फ्रेंड्स तक फिर हमारी वर्क प्लेस तक फिर उसके बाद हमारे मुख्तलिफ जो रोल्स होते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस होती है यहाँ हर जगह पर हमें सोशल रिलेशनिंग की ज़रूरत होती है लेकिन इस सोशल रिलेशनिंग की तरबियत बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है यानी वो सोशलाइजेशन जो ख़ानदान जो हमारे बड़े अपने बच्चों की करते हैं फिर वो सोशलाइज़ेशन जो बच्चा अपने स्कूल से सीखता है अपने दोस्तों से सीखता है उससे उसके अंदर जो इकदार की ट्रांसफ़र होती हैं वो इकदार वो असल में उसे बताती हैं कि उसे इंसानों के साथ कैसे रहना है देन सेंस ऑफ बिलोंगिंग अब यह बहुत ख़तरनाक भी है और बहुत अहम भी है वो कैसे हमें अपनी चीज़ों से बाज़ात बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है कुछ लोग उस मोहब्बत में एक हद से आगे निकल जाते हैं अब एक तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग वो है जो एज सिटीजन हमें अपनी स्टेट के साथ हैं एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग विच इज रिगार्डिंग द फैमिली, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग विच इज रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग विच कैन बी नेगेटिव, दैट कैन क्रिएट सोशल हर्डल्स एंड इन द प्रोसेस ऑफ सोशल हर्डल इंडिविजुअल बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंस ऑफ बिलोंगिंग

The beauty of the culture because diversity is actually the beauty because individuals they have their own opinions they have their own considerations so ko division of labour everyone has the speci the specialization and due to that specialization. एवरी वन हैज़ टू परफॉर्म हिज़ और हर ड्यूटीज़ तो ये जो डिवीज़न ऑफ लेबर है डिवीज़न ऑफ़ ड्यूटीज़ है असल में इससे माशरे के अंदर मुख्तलिफ मुख्तलिफ़रज़ जो हैं वो सर अंजाम देने में आसानी होती है क्योंकि अगर सब अफराद एक सा ही काम करने लग जाएँ तो फिर माशरे के अंदर अमल जारी नहीं रह सकता तो माशरे के अंदर जहाँ अफराद मुख्तलिफ होते हैं उनकी आदात व अतवार मुख्तलिफ होती हैं इसी तरीके से उनके हकूक व फ़राइज का सिलसिला जो है वो भी मुख्तलिफ होता है